ओमिक्रॉन को लेकर देश सहित दुनिया भर में टेंशन है। हालांकि आज राज्यसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि देश में अभी तक ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मरीज की पुष्टि नहीं हो पाई है। उधर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना के इस वेरिएंट को लेकर पहले से ही चेतावनी दे दी है, जिसके चलते एक बार फिर से दुनिया लॉकडाउन के कगार पर आ गई है। जापान और इसराइल सहित कई ऐसे देश हैं जिन्होंने विदेशी यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। इन सब पहेलियों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कोरोना वैक्सीन ओमिक्रॉन को बेअसर साबित करेगी या खुद बेअसर हो जाएगी। अमेरिकी ड्रग कंपनी फाइजर ने कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर कंपनी ने तैयारी शुरू कर दी है। कंपनी ने अमेरिकी मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि नई वेरिएंट के खिलाफ टेस्टिंग शुरू कर दी गई है, ताकि ये पता चल सके कि इस वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन कारगर है भी या नहीं। कंपनी के CEO अल्बर्ट बोरुला ने कहा कि फाइजर का एंटीवायरल पिल भी ओमिक्रॉन के खिलाफ कारगर साबित हो सकता है। वहीं मॉडर्न वैक्सीन ने कहा कि वो नए वेरिएंट को लेकर बूस्टर शॉट तैयार कर रहे हैं। मॉडर्ना के चीफ मेडिकल ऑफिसर पॉल बॉटन ने BBC को जानकारी दी कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा लिया है वे अब भी सुरक्षित हैं। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है वे जल्द वैक्सीन लगवा लें। फाइजर और मॉडर्ना के बाद जॉनसन एंड जॉनसन ने भी ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर विशेष वैक्सीन पर काम शुरू कर दिया है। इधर ब्रिटेन की कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कहा कि वो ओमिक्रॉन वेरिएंट के असर को देख रहे हैं। उन्होंने आशा जताई है कि एस्ट्राजेनेका द्वारा निर्मित वैक्सीन ओमिक्रॉन के खिलाफ कारगर साबित होगी। कंपनी ने ये भी कहा कि वे इस समय AZD7442 एंटीबॉडी कॉम्बिनेशन का नया वेरिएंट टेस्ट कर रहे हैं। इसमें वायरस के खिलाफ दो शक्तिशाली एंटीबॉडी शामिल हैं। रूस की स्पुतनिक वैक्सीन को लेकर भी रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ने कहा कि ये वेरिएंट के खिलाफ असर दिखाएगी। हालांकि ये भी दावा किया गया है कि वो इस नए वेरिएंट के लिए एक बूस्टर डोज भी बना रहे हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ स्पुतनिक वैक्सीन के नए वर्जन को बनाना शुरू कर दिया है। 45 दिनों के अंदर स्पुतनिक वैक्सीन का ओमिक्रॉन वर्जन बड़े स्तर पर लोगों के बीच आ जाएगा। नोवावैक्स भी कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए जल्द ही नई वैक्सीन लाएगी। इसके लिए कंपनी ने तैयारी शुरू कर दी है। कंपनी ने उम्मीद जताई है कि INO4800 दक्षिण अफ्रीका में पाए गए वेरिएंट के खिलाफ कारगर होगा। इस बात की जानकारी कंपनी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट केट ब्रॉडरिक ने दी है। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।